राजस्थान बॉक्सिंग संघ द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट महिला और पुरुष यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन रॉयल ईगल स्पोर्ट्स एकेडमी में 31 मई से 2 जून तक किया गया। इस प्रतियोगिता में 22 जिलों के 135 पुरुष और 58 महिला मुक्केबाजों ने भाग लिया। सोमवार को सभी विजेता खिलाड़ियों का संघ की ओर से बस स्टैंड पर फूल और माला पहनाकर स्वागत किया गया। 31 मई से 2 जून तक जिसके अंदर 9 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 2 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था। 49 कैटेगरी में हितेश, 52 के अंदर दया सिंह सिल्वर मेडल, और 56 में शुभम सैनी सिल्वर मेडल, 60 में अभिषेक पार्टिसिपेट था इसका, 64 में सौरभ है इसका ब्रॉन्ज मेडल, और 69 के अंदर राहुल कुमार इसका सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल अजमेर से गोल्ड मेडल शुभम सुमित पुनिया का है, और 81 में है अमित पार्टिसिपेट, और ब्रॉन्ज मेडल है 91 प्लस में शुभांशु का। तो कुल मिला के हमारी ऑल ओवर पोजीशन आ गया, दो लड़के ऑल ओवर पोजीशन थर्ड रही है। इन दोनों लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, एक का है सिल्वर मेडल, दूसरे का है ब्रॉन्ज। 31 से 2 तारीख तक चैम्पियनशिप हुई, उसमें अजमेर के सभी बॉक्सरों ने भाग लिया, उसमें गोल्ड सिल्वर और काशी पदक सब वेट कैटेगरी के अंदर लिया और अजमेर का नाम उसने किया। यहाँ पे हमारे कई बॉक्सर है, जिसमें हमारे दीपमाला प्रशिक्षक है, विशाल सर है, हमारे कोच हैं जहाँ नाम जीत गए थे, उसको देख के हमारा भी ऐसा लगता है कि अजमेर में और हमारे बॉक्सर गिनती में भरते जा रहे हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।